Assalamu alaikum. I am Samania Bhatt from Kashmir Despatch. And today, the National Conference's senior leader and former minister, Mr. Javed Dar, who had represented Rafiabad constituency from 2009 up to 2014, is with us for an exclusive interview. Sir, welcome to our channel. Thank you. So, sir, how do you assess the current political situation in Kashmir, particularly in North Kashmir? जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर की बात है, मैं बताऊँ आपको, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है यहाँ पर इस वक्त. हालांकि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान भी किया है, उसके अभी डेट्स नहीं आए हैं, पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया है. जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा था कि हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर असेंबली और पार्लियामेंट जो इलेक्शंस वो साथ साथ होने चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस बात को शायद ध्यान नहीं दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि जितनी सारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, सब ने हमने ये कहा था कि यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए और लोगों को राइट बनता है कि वो अपनी नुमाइंदा सरकार जो अपनी चुनी हुई सरकार को बनाए, ताकि लोगों के रोज़मर्रा के जो मसले होते हैं, जो मुश्किलात सामने आ रही हैं लोगों को, वो चीज़ें हो रही है. और जब से यहाँ गवर्नर रूल हुआ है, तब से हमने देखा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई है जो गवर्नर साहब को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक रोल होता है वो अमेंडमेंट्स करना या उन पर सोचना. असेंबली होती है, वो एक मैंडेट उनको होता है, उस पर बहस होती है. वो खदशात हमें परेशान कर रहे हैं या यहाँ के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं. तो इसलिए हम चाहते थे कि यहाँ अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार आए और जो यहाँ के फैसले हैं, जो यहाँ रोज़मर्रा के फैसले हैं या जो बाकी जो फैसले होते हैं, वो यहाँ की सरकार करे. तो सर, क्या लगता है आपको कि क्या रीजंस है, जैसे कि हम सबको अभी डीले हो रहे हैं इलेक्शंस, तो रीजंस क्या है उसके पीछे? रीजंस क्या कह सकते हैं, रीज़न यही है शायद. सब हमको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है, अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो ECI है, वो कहती है कि यहाँ पर हालात बेहतर नहीं है. पोस्ट दिस पुलवामा अटैक, उसके बाद हालात जो है ख़राब हुए, उसकी वजह से हम इलेक्शन डिफर्स कर रहे हैं. पर मैं आपको बताऊं, 96 में यहाँ पर इलेक्शंस हुए, 96 में जब एक इंसर्जेंसी पीक पे थी, तब भी यहाँ लोगों ने वोट डाले और लूट निकले. उसके बाद हर, फिर 2002 का इलेक्शन आया, फिर 2008 का आया, फिर 2014 का आया. अब 2014 की बात ले लीजिए, पूरा कश्मीर जो है, कश्मीर वैली जो है, खासकर सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर कुछ हिस्सा जो था, वो बिल्कुल सैलाब में था, पानी में था. हालांकि उस वक्त हमारी सरकार थी कांग्रेस के साथ, तो हमने कहा इनको आप डेफर करें इलेक्शन उस वक्त भी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पहला रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे. उस वक्त भी कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियां थी जिन्होंने नहीं माना, और उन्होंने इलेक्शन, ECI ने उस वक्त बात नहीं मानी और उन्होंने फिर इलेक्शन करा. आज क्या बात हुई? तो ये तो यहाँ सिक्योरिटी का जो माहौल है यहाँ, तो ये रोज़ वाली बात है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आज सिविलियन मरा या यहाँ आज कोई फौजी मरा, या 30 साल से ये चलता आ रहा है. हम नहीं कहते, हम मजम्मत करते हैं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, पर जब होता है इसमें क्या करोगे आप? ये सारी चीज़ें यहाँ इन 30 सालों में सब लोगों ने देखा, उसके बावजूद भी लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, और फिर जो रोज़मर्रा के उनके काम होते हैं उस सरकार से निकलते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो और भी कोई इश्यूज जो हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ की सरकार करते हैं. आज कहीं ना कहीं लोगों को लेट डाउन फील हो रहा है. अब देखिए, शहर श्रीनगर में हो, नॉर्थ कश्मीर पूरा जो हो, लोगों में मायूसी छाई हुई है. मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जो जोश होना चाहिए शायद अभी नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर. अदरवाइज जो ही इलेक्शन का ऐलान होता था, लोग जो है, लोग बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, अभी नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनको लेट डाउन किया गया और उस चीज़ को लेके वो उनमें कुछ खदशात है. तो सर, जो अभी डिलेड इलेक्शंस हो रहे हैं पोल्स, तो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर यू टू कीप योर गैदर टुगेदर, मोस्ट पर्टिकुलरली इन नॉर्थ कश्मीर? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद अस एज सच. नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पॉलिटिकल प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी. आवर कार्डर, वी आर अ मास बेस्ड कार्डर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद नेशनल कॉन्फ्रेंस. यस,
We want that elected government should come as soon as possible, and people should be given right. People should be given to right, and people are facing difficulties because a lot of people are coming to us. They've been asking us, "Kab karenge elections? Kab ho jayenge?" So they have a problems in rural areas. There's electric problem. There is a water problem crisis. There are road road problems are there. So log aate hain in cheezon ko leke sarkar ye kar sakti hai. इलेक्शन डिले हम कभी भी तैयार रह सकते हैं, इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर हमारा ये था कि भैया 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए इलेक्शन का, ये इलेक्शन होने चाहिए और डिले सही नहीं है, डिले से एक गलत मैसेज आता है और ये किसी का हक नहीं बनता कि यहाँ के लोगों को आप दूर रखो वोटिंग राइट्स, पूरे मुल्क में वोटिंग राइट्स, पूरे मुल्क में इलेक्शन है, उन रियासतों में भी जहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे उन रियासतों को भी इलेक्शन करने जा रहे हैं आप, 3-4 रियासतें हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, तो ये रियासत आपने क्यों छोड़ी? और कोई ऐसा लॉजिक, जब आप पार्लियामेंट, आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जी हमें इतने लोग हैं, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो सकता है तो मुझे ये बताइए आप असेंबली इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें कुछ शकूक पैदा होते हैं, कोई इसको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है? जाहिर सी बात है जो सरकार में जो जमात है दिल्ली में शायद वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी बेस नहीं है, हमारी बेस नहीं, हम किसी तरह से इसको ठीक करें। और इस वक्त एक माहौल बन रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, सम हाउ पीपल ऑफ दिस स्टेट, पीपल ऑफ दिस स्टेट, मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूंगा, रियलाइज कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अल्टरनेटिव है जो हमें इन चीज़ों से मुक्ति दे सकती है। तो वो चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग जो है परेशान है, वो नहीं चाहते नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, तो इसकी वजह से यही एक एक टैक्टिकफुली है, डिले है, अदरवाइज इसमें कोई इसमें मुझे आई डोंट थिंक देयर इज एनी कोई मेन कोई ऐसा कोई इशू है। ओके सर, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड प्रिपरेशंस फॉर कमिंग पोल्स? पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार ही रहती है, हम लोग इसी प्रोफेशन से रहते हैं, मैंने जैसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मास बेस्ड कार्डर जमात है, तो हमारे कार्डर हर जगह है। अब सेटबैक ये है कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से उस चीज़ को देखा नहीं जाता है, बाकी हम इलेक्शन में उतरेंगे, हम किसी को इजी वॉक नहीं देंगे, जो उनका मंसूबा है कि यहाँ पर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, अच्छी बड़ी तंजीम में पार्टिसिपेट ना करें, वो कैसे किसी को खड़ा करें, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस टक्कर देगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह रहमान नॉर्थ कश्मीर से हम लोग जो है हमारा जो कैंडिडेट है वो इंशाल्लाह कामयाब होकर सामने आएंगे। ठीक, तो सर प्लीज शेयर विद अस योर ओन प्रोफाइल ऑफ रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इट्स प्रेजेंट डेवलपमेंट सिनेरियो। देखिए रफियाबाद को 2014 के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी उनको 2008-09 के बाद जो 14 तक जो मैंने डेवलपमेंट की है वो लोगों के सामने है, चाहे वो एजुकेशन मतलब सेक्टर में हो, चाहे वो रोड्स एंड बिल्डिंग सेक्टर में हो, चाहे पीएचई सेक्टर में हो, चाहे कोई भी सेक्टर ले लो आप, डिपार्टमेंट का कोई भी सेक्टर लो, फॉरेस्ट लो, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सब डिपार्टमेंट्स में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और इंस्टीट्यूशंस की बात हो, नई इंस्टीट्यूशंस को वहाँ अपग्रेड करना या नए इंस्टीट्यूशन को वहाँ कायम करना, जिसमें तहसीलें हो, जिसमें ब्लॉक्स हो या और भी नयाबत हो, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की मोबिलाइजेशन को देख के लोगों को हर चीज़ डोर स्टेप पे मिले, वो सारी चीज़ें हमने करी वहाँ पर। डिग्री कॉलेज के दिया हमने वहाँ पर, हायर सेकेंडरीज बहुत सारी अपग्रेड कराई हमने, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रोड कनेक्टिविटी के हवाले से बड़े सारे ब्रिज हमने दे दिए। आपको यकीन, आपको बता दूँ 29 ब्रिजेस मैंने दिए हैं रफियाबाद में जो लोगों को कनेक्ट कर रहे थे, जो थे नहीं वहाँ पर। अब उसमें एक बहुत बड़ा ब्रिज है जहाँ माँ लड़ूरा का, अगर आप कहीं इस तरफ से अगर कभी बारामूला टाउन जब यहाँ पर हालात ख़राब होते थे तो ये बंद होता था, तो लोग 2016 उसी ब्रिज का उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर शायद नहीं होता तो उनको बड़ी दिक्कत होती, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमने की और काफ़ी डेवलपमेंट की। फिर 2014 में हम लोगों के सामने फिर गए, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, खैर एक डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, पार्ट है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, उन्होंने पीडीपी के उम्मीदवार को जिताया, ठीक किया, पर जो परफॉर्मेंस उनकी रहनी चाहिए थी शायद वो परफॉर्मेंस नहीं रही, लोग बड़े उससे नाला हैं, लोग उससे खुश नहीं हैं, और
जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, जिस एक्सपेक्टेशन से उन्होंने वोट दिया था, यंग है, यंगस्टर है, वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई है और इसका नतीजा आपको सामने मिलेगा, आप आने वाले दिनों में आपको सामने आएगा उसका नतीजा. So thank you so much, sir, for talking with us. We appreciate the time you have given us. Thank you so much. So we were in an exclusive interview with Mr. Javed Dar, and how he shares the current political scenario and the delayed polls, everything about it. Thank you so much for watching.